हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज हम बनाएंगे दही के शोले। ये देखिए, एकदम डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपी है एंड प्रेजेंटेशन भी मैंने शॉर्ट्स ग्लासेस में की है। बेस्ट पार्टी ऑप्शन है, फेस्टिव सीजन है, बेस्ट ऑप्शंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूंगी मैं लगभग ये आधे कप के करीब हांग कर्ड है। दही को मैंने मलमल के कपड़े में डाल के ओवरनाइट 10 से 12 घंटे के लिए लटकाया। उसके बाद ये हमारे पास हंग कर्ड आ गया। अब इसके अंदर जाएगा जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, ये 2 टेबल स्पून है। ये है हमारा जो ग्रीन एप्पल होता है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। बट मैं इसका पानी रिमूव कर दूंगी। ये देखिए, मैं इसका पानी रिमूव कर दूंगी सारा। हमें इसमें गीला कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से मैंने इसका पानी रिमूव कर दिया। ये ग्रीन एप्पल इसके अंदर जाएगा, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा। नेक्स्ट इसमें जाएगा थोड़ी सी कैप्सिकम, बहुत थोड़ी सी, 1 चम्मच। मैंने येलो कैप्सिकम ली, ग्रीन कैप्सिकम ली। आप हरी मिर्च ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं ग्रेट करके। बस मैं इतना ही लूंगी। आप अनार भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। मैं डालूंगी 1/4 स्पून के करीब चाट मसाला। अब इसमें 1/4 हमारी स्पून जाएगी सॉल्ट, जो हमारी नॉर्मल खाने वाली स्पून होती है, और 1/4 से भी कम मैं इसमें डालूंगी रेड चिली। आप रेड चिली अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा दही के कबाब का फिलिंग रेडी हो गया। ये देखिए, इतना हार्ड होना चाहिए ये। इसे हम एक साइड में रखते। अब हम लेंगे ब्रेड, जिसके मैं साइड्स निकाल दूंगी। ये साइड्स आप बाद में मिक्सी में चर्न करके, आप इसे ग्राइंड करके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं इसके। इस तरीके से मैंने साइड्स निकाल दिए। साइड्स निकाल के मैंने एक बर्तन में लिया है पानी। ब्रेड को मैं डिप करूंगी, अच्छे से प्रेस करूंगी इस तरीके से। देखिए, एक्सेस वाटर हम रिमूव कर देंगे। इसके अंदर मैं लूंगी फिलिंग इस तरीके से। अब मैं इसे शेप दूंगी। मैं कोशिश करूंगी ओवल शेप देने की। ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसी शेप दी है। हमारे ये ब्रेड कर रेडी है। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसके ऊपर मैं इसे कोट करूंगी और अगेन मैं इसको शेप देने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, बहुत अच्छा क्रंच आता है ये ब्रेड क्रम से। जहां से भी आपको लगे खुल रहा है, उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, शेप आप अपनी अपने चॉइस से दे सकते हैं। मैंने इसको ओवल शेप दी है। इसे भी मैं अगेन ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी, अगेन मैं प्रेस करूंगी। ये हमने रेडी कर लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब टर्न आती है फ्राई करने की। मैंने तेल गरम कर लिया। अब इसके अंदर में हम अपने दही के शोले डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। देखिए, ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसी तरीके का हमें चाहिए। अब मैं इसे निकाल दूंगी कढ़ाई में से, प्लेट में। बहुत अच्छा गोल्डन कलर हमारा आया है दही के शोलों का। अब मैं आपको एक यूनिक वे बताती हूँ इसे सर्व कैसे करना है। ये मैंने दही के शोले लिए, मैं इसको हाफ कट करूंगी लंबाई में। देखिए कितना क्रिस्पी है ये, आपको आवाज आ रही होगी। इस तरीके से मैं इसे कट करूंगी। कट करने के बाद इसके अंदर ऊपर मैं डालूंगी चिली सॉस और कैचअप। और ये मैंने शॉर्ट लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी कैचअप और एक में मैं डालूंगी चिली सॉस। मैं 2 शॉट में ही आपको बताती हूँ कि मैं सर्व कैसे करूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़े से कैप्सिकम। आप
चाहे तो सेब के पीसेस भी डाल सकते हैं, और ये शोले ऐसे। अगेन मैं इसको भी कट करूंगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा केचप, बहुत क्रंची है ये, एंड थोड़ा सा चिली सॉस, आप चाहे तो धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं। देन अगेन मैं इसको ऐसे सर्व करूंगी। ये हमारे दही के शोले रेडी।